Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं कराची का तूफान और करसाज वाली चुड़ैल की हरकत। अच्छा ठीक है, तो ये इसका एक्चुअली सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी देखा है, तो दिस इज लाइक सेकेंड। और ये वीडियो है बाय अहमद खान पॉडकास्ट विद बरकत एंड उज़्मी। यार इन दोनों का जोड़ी इतना छाया हुआ है, सिर्फ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं, लाइक ओवरऑल एवरी वेयर दे हैव बीन ट्रेंडिंग। यस, सो टुडे वी आर हियर विद अहमद खान का पॉडकास्ट विद बरकत एंड उज़्मी। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। दो कौमी नजरिया क्या होता है? क्या क्या? अगर बेटी बीमार हो तो दुख होता है और बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। हाय 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 हाय, ये बारी बात की है यार। आपकी चुप के शादी तो नहीं की हुई? मैंने चुप के शादी की है, इन्होंने शादी देखी बहुत है। जब भी मैं इसको बुला दो ना, सेकंड फ्लोर से कोई 15 मिनट में नीचे आता है, सबकी देखता हुआ आता है, सबकी शादियां देखता है। नहीं यार, माशाल्लाह बहुत गहराई से बात कर रहे हैं। और ये बात वही बंदा कर सकता है जो शादीशुदा हो। मैं गुमशुदा हूँ। नहीं, ये शादी इसलिए नहीं कर रहा, पहले इतना पता चल गया, अब क्या करेंगे क्या? देखिए बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। और इसकी टाइमिंग क्या होती है? ये टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, ये पूछ के बताऊंगा जिस वक्त ये धज्जियां उड़वाने की टाइमिंग क्या होती है, मतलब रात के टाइम, दिन के टाइम। और ये आपने आशिकों की बात बोली है, क्योंकि बिजनेसमैन भी हो ना बहुत बड़ा, और उसे प्यार हो जाए लड़की से, काम सी लड़की हो, ओहो उसको खास कर देती है, काम वाम छोड़ के भाग रहा होता। तो अभी आप कह, अभी ये कह रहे थे कि औरत मजलूम है, अब ये मर्द मजलूम हो गया। नहीं, हमने साइड बदल ली। नहीं, वो मैंने फिल्म, अभी आपने बात की ना मोहब्बत में, आदमी पागल हो जाता है चाहे जितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो। अब हमने कोई फिल्म देखी थी, वो इतना बड़ा किंग कॉन्ग था, है वो इतनी सी लड़की कुत्ते की तरह इलाकों में घूम रहा था उसके लिए। यार उसका नहीं समझ में, उन दोनों का प्यार समझ में। अगर उन दोनों का प्यार हो भी गया, अरे तू करेगा क्या? एक बंदा 50 फुट का किंग कॉन्ग और उसके सामने वो जो है वो 4 फुट की, नहीं समझ आ रहा क्या होगा यार। एक सेकंड, दोनों की शादी हो गई, लेकिन किंग कॉन्ग की समझ में तो आ रहा है। वो तो माहौल बना रहा है, हाथ पे लेके घूम रहा है, यहाँ बिठा के घूम रहा है। नहीं मतलब अगर उनकी शादी हो भी जाती तो क्या फ्यूचर था उनका? नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं था, देखते रहते एक दूसरे को। वो लड़की कहती देखो होता करवट पे, नहीं करवट पे, करवट का तो काम ही नहीं होता, करीब आता उसकी सांस बंद हो जाती है। देखो एंजॉय करो एक दूसरे को, मैं अपना माहौल बनाऊंगी, तुम अपने बंदरिया के साथ। मतलब इससे जाहिर होता है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, अंधा होता है और अंधा दोनों होता है, और प्यार हिम्मत वाला भी होता है, हिम्मत वाला होता है। लेकिन लड़की मान गई थी मेरे ख्याल उसमें। हाँ लड़की, अभी उसका पार्ट 2 आया है, पार्ट 2 आया है, पार्ट 3 में मानेगी। उसमें वो भालू फिर भाग गया। अच्छा कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आज के दौर में प्यार जो है वो गंदा होता है। यार अगर प्यार अंधा होता है तो मुझसे आज तक टकराया क्यों नहीं? हाय 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 हाय। अच्छा कभी ऐसा हुआ साहब, किसी खातून को आपने कहा फासला रखे मोहतरमा, फिर आप ही को नंबर देने में मौत आएगी? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक लड़की के लिए मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो एसी की तरह हो, बाहर से गर्म घर में ठंडा, दीवार से लगा हुआ, रिमोट से चलने वाला। अरे कब पॉइंट पे वो लड़की गरीब है, बाहर से गर्म और अंदर से ठंडा, तो फिर फायदा क्या? मतलब ये तो आप असल तो बाहर से अंदर से गर्म। आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। मैं सुना है, आपने एक बात की है, इसको क्लियर करें। अच्छा एक बात आप मान लें कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। हां बाहर से गर्म अंदर से ठंडा। अच्छा ये लो, आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये एडिटर का काम बढ़ा रहा है। एडिटर का नहीं, देखो शो की ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन। और अब देखिए, हम मजलूम मर्दों की बात कर रहे थे, जो बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ क्या है, हम उस पे जो है रोशनी डाल लेते हैं। तो आप मुझे बताएं। अच्छा बहुत से बेचारे बैंक से निकल, जैसे आपने बैंक की जॉब की बात की, उसके बाद भी आगे जॉब करते हैं, पार्ट टाइम करना। एक तनख्वाह में गुजारा नहीं, एक तनख्वाह में गुजारा नहीं है सर। समझ लें कि एक नौकरी घर के किराए के लिए हो रही है, और एक नौकरी गैस बत्ती के बिल के लिए हो रही है, बीबी के बिल के लिए हो रही है, बच्चों के पैंपर के लिए हो रही है, तो ये चल रहा है। अब टेलर, अब वो बंदा घर वालों को, घर को कैसा टाइम देगा यार? सही बात, सही बात। उसके बावजूद भी लेकिन साथ साथ 8-8 बच्चे, ये टैलेंट है। ये टैलेंट है, ये टैलेंट है। उसे उसके लिए टाइम, हम जो ओवर टाइम की बात कर रहे थे वो यहाँ आ गई है बात। टाइम तो निकालना है ना वो। देखिए ना, अब टेलर की नौकरी कितनी मुश्किल है। अब एक टेलर ने एक लड़की से पूछा कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, वो कह रही है आईफोन। बोला तो फिर ठीक है, मैं जेब नहीं लगाता, मोबाइल तो तुम हाथ में ही रखोगी। मालिश की थक गया, 2.5 घंटे उसने मालिश की, 4.5 घंटे मैंने उसकी मालिश की, वो मैंने सब बराबर कर दिया, ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ सिस्टम हुआ नहीं, उसने कुछ पैसे देखे गए? नहीं, वो मैं उसने भी माफ की, मैंने भी माफ की, 2 घंटे का फर्क आ गया।
वो फिर आपको घंटे दो घंटे आपने ज्यादा की ना आज हाँ। मैं छोड़ो ऐसा ब्रास की बात है। अच्छा जॉब से तंग आके अच्छा लोग मालिशें भी करवाते हैं जॉब से आते वक्त मैंने देखा अब तो फुटपाथ में जो बीच में दोनों रोडों के बीच में जो फुटपाथ है वहाँ लोगों ने पूरा मालिश का पूरा बुफे लगा लिया बुफे बना लिया। अब देखे ना जॉब से तंग आके मैंने बोला यार ये क्रिप्टो का आजकल बड़ा चल रहा है इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर दो। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया तो बाद में पता चला कि जिसका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया ना उसका खुद नुकसान हुआ था नुकसान कवर करने के लिए उसने ग्रुप बनाया था। ये कैसे चीटिंग हो गया यार चीटिंग नहीं है ये तो अकलमंदी है यार अकल अरे तो हम हमारे साथ तो चीटिंग कर गया ना लेकिन आपकी बेवकूफी है ना कि आप उसके उसके यार मैं तो वीडियोस देख रहा था इतने कमा लिए इतने कमा लिए अबे हमने बोला हम भी लगाते उस्ताद ग्रुप में पढ़ते वो पढ़ा तो अभी कहानी है क्या क्रिप्टो की क्या हर बंदे के मुंह पे किसी को फायदा भी होते हुए देखा नहीं यार भाई लोग लखपति हो गए करोड़पति हो गए क्रिप्टो करेंसी से आपने इस्तेमाल की मैं तो देखा है सब सुनता ही हूँ सब आपके पास क्या बंगाली पैसे क्या है आपके पास मैं तो कुछ नहीं है मैं तो पैसे थे वो चिलर है बस वो मैं मारता हूँ। अच्छा ये बात सच है कि पैसे अगर कार्ड से खर्च हो जाए ना तो इतने पता नहीं लगता नहीं होता जेब में कैश खत्म हो जाए ना बंदा पागल हो जाएगा और ऐसे अगर आते हुए अगर चेक आएगा ना आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना कैश आता जितना कैश आएगा। अब आप बोलेंगे ना यार ये 10,000 रुपए खाने का बिल बन गया है आप बोलोगे कार्ड से चार्ज कर ले अगर आप बोलेंगे 10,000 रुपए बिल बन गया है कैश दो आप बोलोगे अबे भाई क्या हो गया गड्डी जा रही है ना और कुछ लोग घर में भी कैश नहीं रखते जेब में तो नहीं घर में भी नहीं रखते वो मेरा एक दोस्त है उसके घर डाकू घुस गए तिजोरी खोल के देखिए अंदर वो बैठे हुए अस्सलाम वालेकुम मैं यहाँ होता हूँ पैसे बैंक में होते हैं अरे भाई ये क्या है कुछ लोगों का होता है तरीके से खेलते हैं भाई लेकिन ये तरीका सही है मेरा ख्याल है ना। अच्छा आप एटीएम लगाएं रात को 10 बजे के बाद हालात इतने खराब हैं आप एटीएम लगाएं रात को 10 बजे के बाद ऐसा लगता है इंडिया से कारगिल ले रहे हैं आप डरते हो मैंने और कुछ लोग क्या बहुत से लोग एटीएम में अंदर घुसते हैं वापस ही नहीं आते अबे भाई मैंने क्या एसी की वजह से हाँ ना मैंने बोला बेटा क्या गेम स्टार्ट कर लिया मैंने जीटीए खेल रहा है अंदर उसके इतना टाइम लगा देते हैं यार और ये खवातीन बहुत टाइम लगाती है एटीएम में है खवातीन हमेशा दो या तीन होती है जो अंदर जाती है एटीएम में और 10-15 मिनट बाद कमेटी के अलग डिस्कशन हो रही है अच्छा कुछ मर्द गर्म भी होती है एटीएम में गया अब बंदे ने बजा दिया आ जाओ भाई वो खोलता है ओए मेरा क्या शौक है अंदर खड़ा होने का कुत्ते के बच्चे मैं भी मार रहा हूँ ना एटीएम मशीन लेट चल रही है तो मैं क्या करूँ ये दिमाग घुमा हुआ होता है यार भाई बड़े उलझे में भाई लोग तपे हुए यार लेकिन एटीएम का अपना मजा है अपना मजा है सही बात है एटीएम के मायने क्या है एटी एनी टाइम मर्डर भी अल्लाह ना करे डाकू आ गए तो बंदे का भी हो जाए अल्लाह ना करे ऑटोमेटिक ए हो गया ना ट्रांसफर ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन मशीन ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन ये सही है पिछले दिन बोला है बता लो ऑटोमेटिक टेलर मशीन टेलर कौन सा क्या मतलब क्या सी कोई सी के दे रहा क्या पैसे टेलर ये इंग्लिश के कुछ वर्ड अजीब होते हैं यार समंदर के किनारे को क्या कहते हैं समंदर के किनारे को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं साहिल बीच कहते हैं ना बीच साहिल साहिल पे नहीं बीवी का देखो जैसे बीवी का होता है ना बी आई डब्ल्यू आई ये होता है ना तो इसका वैसा होता है बीवी बी और वी तो इसका मतलब क्या है ब्रेन वायरस। अच्छा आप देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड बिल्कुल अनछंड है मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ वो एक वोकैबुलरी है वो कहते हैं साइड किक्स साइड किक्स अब आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या मतलब है इसका मतलब है बचपन का गहरा दोस्त जैसे आप हेड ड्रेसर के पास जाए वो आपसे छोटे गए बाल छोटे कर दूंगा तू बड़े कर सकता है क्यों बोलते छोटे कर अच्छी बात और बिना वजह रिक्शा वाले को एक बंदा रिक्शा वाले को बोल जाके कर रिक्शा वाले के पास जाके कर यार वो स्टेशन जाना है उसने कहा भाई 800 रुपए कह रहा यार यही तो है कह रहा हाथ पीछे कर ट्रेन में आ जाएंगे यही तो है इतना तो बता रहा है यही तो है अच्छा लोग तपे हुए इसका मतलब लोग तपे हुए दो तपे हुए गर्मी से ये भी तो सही कह रहा है वो एड्रेस गलत बताते हैं अच्छा आराम से ऐसे ही बताएंगे यूं करके यहां से यूं मुड़ जाओ यूं वो होता ही नहीं है हां बिना वजह का एड्रेस बता रहे होते हैं वो कहते हैं राइट से सीधे हाथ पे हो जाओ अबे राइट से सीधे हाथ पे मैं राइट से सीधे हाथ पे कैसे हूं तो ये हर आदमी तपा हुआ है यार लेकिन हमारे कराची में तो अलग ही एड्रेस बताने का तरीका ना कि वो इश्तिहारात से बताते हैं दीवारों पे जो इश्तिहार लिखे होते हैं है ना और वो पता है कैसे एड्रेस बताते हैं कुछ लोग तो ना अब आप गाड़ी में आप पूछ रहे हैं यार ये एड्रेस बताना यहाँ पे बाइक वाला होगा ना अच्छा एड्रेस नहीं बताएगा बोलेगा मैं पी गया हूँ अबे तू एड्रेस तू अच्छा उसके जा रहे यार फिर रुकेगा पान लेगा अपने लिए कह रहा पान ले रहा हूं अभी आएगा आएगा नहीं आप ये सही करो ये आप ना ये जो आप ये बात कर रहे हो ना कि पीछे लग गया आप हमारे एक दोस्त उसको पुलिस वाले ने रोक लिया बोले किधर
कह रहा घर कहाँ है घर, कल्याण से सीधा जाओगे? हाँ, उल्टे हाथ में मुड़े, हाँ पान का केक बनाएगा, छोड़ दो, छोड़ दिया, छोड़ दिया, आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाघ आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़, अबे भाई छोड़ भाई, नहीं छोड़, बहुत से लोगों ने बिला एड्रेस बताने का शौक होता है, हां शौक होता है, बिला वजह एड्रेस बताते हैं, बिला वजह एड्रेस बताते हैं, बिला यहां से लेफ्ट लो, फिर राइट लो, बंदा घूम के वहीं आ जाता है उसके पास, है ना, और कुछ लोग बैठे इसलिए होते हैं कोने खांचू पे कोई एड्रेस पूछ ले, है ना, और पता नहीं क्या समझते हैं आपका एड्रेस बता के ना, हाँ वो बॉसों ने बैठे बनाई हुई होती है ना चबूतरे पे, वो एड्रेस बता रहे हो, रुक रुक के ही बता रहे होते हैं, रुक रुक के बता रहे हैं, नमस्ते बता रहे हैं, अच्छा कुछ लोग ये होते हैं अचानक जो हादसा होता है ना, पता क्या होता है, आपने किसी से एड्रेस पूछ लिया, पैदल चल रहा है वो बंदा आप गाड़ी में, यार ये एड्रेस आप बताएंगे, एक काम करो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अब गाड़ी में बैठ जाता है क्या, बहुत से लोग तो गलत फहमी का शिकार था, एक बंदा बंदा हमारे दोस्त को पर्ची दिखा रहा है, वो कह रहा है यार पहले पर्ची पे दिखा के मांगते थे ना कि भाई गूंगा हूं बोल नहीं सर पढ़ ले अभी भी राशन अभी, तो पर्ची दिखा के उसने पर्ची दिखा कर माफ करो, कह रहा क्या माफ करो भाई एड्रेस पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ पढ़, ये भी होता है, और बच्चे आपको ना बच्चे उलझाएंगे, बच्चे उलझाते हैं, छोटे बच्चों से एड्रेस पूछ लो, अंकल मैं आपको बताया बच्चे इतने जहीन है, मैं बच्चों की आपको जहानत बता रहा हूँ, आप बच्चे देखो, आप देखो बच्चे देखो, वो छोटा बच्चा कह रहा है अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा, आप देखो मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूँ, आप देखो बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा बताओ इस जानवर का नाम क्या, बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है, टीचर कह रही नॉलेज बदतमीज खड़े हो जाओ तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या, कैसे बच्चों के बच्चे छोटे बच्चे मुझे बोले बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है, कह रहे अब्बू, मैंने कहा वो कैसे, कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं, ये बच्चे हैं, अच्छा ये सच बात है, कुत्ते के बच्चे बच्चे बच्चों को अलग सुला के, अरे भाई घर में ना घर, अच्छा मैं आपको बताता हूं अगर ये बात अगर मेरी पहुंच सके और मैं अगर बोल सकूं इस बात को, बच्चे कुछ बच्चे जो है ना वो क्या होता है कि घर में रश होता है तो माँ बाप खुलकर रोमांस नहीं कर पाते, मियां बीवी नहीं कर पाते कि बच्चे घर में इतने रश लगा हुआ है, अच्छा, तो वो कहते चलो क्या करें, फिर वो जगहें बाहर यहाँ वहाँ वहाँ खाला मम्मू पापा के घर, तो भाई मैं ये कह रहा था एड्रेस आपको सही नहीं बता रहा है, उल्टे सीधे लोग आपकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, अब वो एक बंदा बोला ना यार मैंने उससे पूछा एड्रेस कहाँ है, उसने बोला यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ आपके साथ बैठ जाता हूँ, अब किसका क्या पता किस माइंड का आदमी, और थोड़ा आगे गए मैंने थोड़ी देर बाद नोट करा गाड़ी मैं चला रहा हूँ घेर वो लगा रहा है, घेर लगाने से मैंने उसको रोक लिया, अबे मैंने बोला मेरी स्पीड ना बढ़ जाए, मैंने दरअसल उसको गाड़ी चलाने का शौक था, वो बोला मेरे पास गाड़ी है नहीं तो मैं आपकी गाड़ी में घेर लगा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको उतारा, अच्छा वो उतर गया, हाँ वो उतर गया, घेर लगा रहा, हाँ आप बाइक पे लिफ्ट लेते हुए डरते हो यार, हाँ अरे अरे बाइक पे अजीब अजीब लोग मिलते हैं भाई, हाँ बाइक पे जबरदस्ती लिफ्ट देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते हैं, हाँ और कहते हैं यार ये यार, अच्छा मुझे एक बंदा बाइक पे लिफ्ट दे रहा है, वो कह रहा है सच्चा आगे बता रहा हूँ, बाइक पे बंदा ना मैं कैसे किसी के लिफ्ट खड़ा हुआ था, मैं चिंजी का इंतजार करता, मैं जॉब करता था तो मैं बैठ गया, ओके अभी बस ठीक है, ओके तो ये बहुत ज्यादा मैथ्स मैथ्स एंड एवरीथिंग चल रहा है, लेकिन मतलब ये सबको पूछने के बजाय आपके पास लाइक गूगल मैप भी होगा ना यार, लेकिन बच्चे बच्चों का आप मतलब जब टीचर ने पूछा कि सबसे छोटा आपके घर में कौन है तो बोला कि पापा, क्यों तो अभी भी मम्मी के साथ सोते अरे यार बच्चों को समझाना सच्ची में मुश्किल काम है, और बरगद और उस्मीना ये स्टार्टिंग वाला जो किस्सा यहाँ पे चल रहा था वो मजेदार था, वो सच्ची में मजेदार था, वो जैसे बोल रहे सन एंड एवरीथिंग, एक्चुअली या ये पॉडकास्ट का ये ही क्या बोल सकते हैं, ये ही एक टॉपिक है कि मतलब पाकिस्तान में जो चल रहा है दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में बात करना है, सारे पॉडकास्ट ऐसे होते हैं बट दिस वन ये कुछ अलग है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है यार, अभी अभी फिलहाल नया भी आया है विद सम ऑफ डिफरेंट मतलब कोई अलग ही है तो मुझे नहीं पता उनके बारे में, दो विल वॉच देम कौन है वो और उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, जैसे बरकत और उस्मी भाई इनके दोनों के बारे में हमने जैसे इनके पॉडकास्ट थ्रू ही जाना है ना तो इनके बारे में जानेंगे जल्द ही, सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो प्लीज़ फॉलो दैट टू, थैंक यू।